Good morning to all of you. Once again, welcome in Unacademy with Akhilesh Kumar. You are enjoying English grammar with Akhilesh Kumar on Unacademy. Please keep on watching English grammar on Unacademy by Akhilesh Kumar. And today again, we are going to discuss the summary of the parts of the speech. Please remarks, please comments. Have a great day. Keep on watching. Thanks. दोस्तों, फिर कुछ मेजर रोल्स देखा, अब कुछ माइनर रोल्स पे आते हैं. ठीक है, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ माइनर रोल्स देखें क्या है. अगर तुम्हें किसी वाक्य में दैन के बाद यदि एनी हो, ठीक है, एडजेक्टिव के कंसेप्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, दैन के बाद अगर एनी हो तो तुरंत उस एनी के बाद अदर का प्रयोग होता है, ध्यान रखना. ठीक है, मतलब जैसे अगर हमने लिखा राम इज टॉलर दैन एनी बॉय, गलत है, एनी अदर बॉय. ठीक है, एनी अदर बॉय, राइट. ठीक है, अर्थात तुम्हें कभी भी दैन के बाद एनी आए तो एनी के बाद अदर का प्रयोग करना होगा. थैंक यू, आगे बढ़ता हूं. देखिए, बड़ा सोचने वाली बात होती है डियर. द नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और अ नंबर प्लुरल सब्जेक्ट होता है. इसको याद करने का तरीका यह है कि जैसे अ मीन्स हम लोग सिंगुलर समझते हैं ना, उसे प्लुरल मान लो. तो अ नंबर आए तो समझ लो प्लुरल सब्जेक्ट है, और द नंबर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है. ये अक्सर कंफ्यूज करता है. तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास आर लो. अब ध्यान देना, हमने कहा था प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट को ही महत्व देते हैं. अब प्रीपोजिशन के पहले क्या है, द नंबर है. द नंबर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां क्या लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा. ठीक है, मतलब द नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट. आगे बढ़ते हैं. यदि वाक्य की शुरुआत, ये प्रोनाउन के कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समरी को देखने के पहले एक बार अखिलेश के द्वारा पढ़ाए गए हर चैप्टर्स के हर लेशन को, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन को एक बार पढ़ लो और फिर इस वीडियो को देखना, तो शायद आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. अब मैं कह रहा हूं कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत इच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी से हो, तो ध्यान देना ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इसलिए इनके साथ वर्ब क्या करना, सिंगुलर प्रयोग करना. और ध्यान देना, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है, तो पॉसेसिव केस भी सिंगुलर प्रयोग करना, अर्थात इनके साथ कभी भी देयर का प्रयोग मत करना. ठीक है, ठीक है. और यदि ध्यान देना, इनके बाद यदि इनके बाद ऑफ का प्रयोग हो तो उसके बाद जो नाउन आता है, मतलब इन शब्दों के बाद अगर ऑफ का प्रयोग हो और उसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन सदैव प्लुरल होता है. देखो आगे. अब देखो, पहला हमने समझाया था कि एवरीवन सिंगुलर है तो यहां क्या लगेगा, हैड लगेगा. पॉसेसिव केस देयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इट्स लगेगा. तो एवरीवन हैज डन इट्स वर्क. ठीक है, अब देखो, हमने कहा था इनके बाद जो नाउन है, ठीक है, इच ऑफ द बॉय, नहीं, इच ऑफ द बॉयज, मतलब इन शब्दों के बाद अगर ऑफ लगा और ऑफ के बाद नाउन है तो नाउन क्या होगा, पुल्लल होगा. ध्यान देना, हैव डन हिज वर्क. ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो. यदि वाक्य में सिंस या फॉर का प्रयोग हो, ठीक है, तब ध्यान देना है, बड़े छोटे रूल्स हैं, ये आप टेंस में पढ़े होंगे. यदि वाक्य में सिंस या फॉर का प्रयोग हो तब क्रिया हैज, हैव, बिन, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है. देखो, ही इज रीडिंग दिस बुक फॉर द लास्ट 10 डेज, नहीं यार. और देखो एक चीज और, लास्ट के आगे सिंस लगता है, लेकिन अगर द लास्ट हो जाए ना तो फॉर लगता है. तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है, इसे मत समझना गलत है. और यहां इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा. तो ही मैंने कहा क्यों होगा, क्योंकि आगे क्या लगा है, फॉर लगा है. तो मैंने कहा है कि अगर सिंस और फॉर हो तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, हैज, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी. तो ही हैज बीन होगा, ही हैज बीन रीडिंग, राइट, दिस बुक फॉर द लास्ट 10 डेज. अब देखो, काल्पनिक वाक्य में यदि तुम्हें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना हो तो हेल्पिंग वर्ब सदैव वर होता है.
कभी ये मत सोचना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज लगा दे, वर्ब क्यों लगा रहे। नहीं यार, काल्पनिक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर होता है। ठीक है, देखो जैसे यहां सेंटेंस है, इफ आई एम द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क। नहीं यार, इफ आई वर, देखो हमने कहा ना एम नहीं लगेगा, वर लगेगा। द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क। बात समझ आ रही? मतलब ध्यान देने वाली बात है, काल्पनिक और इमेजिनरी सेंटेंसेस में इफ के साथ कंजक्शन के साथ बाद जो सब्जेक्ट आता है उस पर ध्यान ना देना, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर लगाना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, हमने कहा अनटिल, अनलेस, लिस्ट, फॉरवर्ड, डिनाई, हार्डली, ये पहले भी डिस्कस किया, नहीं डिस्कस किया इसलिए समरी में भी डाला हूं। ये सब बड़े छोटे रूल्स हैं और ये हमें कंफ्यूज करते हैं जब एग्जाम देते हो तो इससे रिलेटेड होते। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर अखिलेश कुमार जो तुम्हें पूरा पढ़ा रहा है उस पूरे ब्रॉड कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर तुमने समरी देख लिया तो तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ एरर्स तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा, मतलब वो तुम्हारे हाथ में है। तो मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरे सारे वीडियो को इंडिविजुअली देखो, जब वो इंडिविजुअली कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के समरी देखो। कहा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इफ यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑन दैट, देयर इज नो चांस टू लूज द एग्जाम। यू विल बी एट होम इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश के बादशाह होगे डियर। फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे इस सारे छोटे छोटे रूल्स को ध्यान रखना। देखो क्या है रूल्स, अनटिल, अनलेस, लिस्ट, फॉरवर्ड, डिनाई, हार्डली, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, अतः इन शब्दों के साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और एक ध्यान देने वाली बात जो अलग से लिख दिया मैंने, लिस्ट वाले वाक्य में हमेशा शुड का प्रयोग होता है, लिस्ट वाले वाक्य में क्रिया शुड होता है, हेल्पिंग वर्ब शुड होता है, लिस्ट वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुड होता है, तुम ऐसे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और अनटिल, अनलेस, लिस्ट, फॉरवर्ड, डिनाई, हार्डली के बाद नो या नॉट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये खुद निगेटिव होते हैं। देखो आगे, हमने कहा यू वर्क हार्ड, लिस्ट यू विल नॉट पास। नहीं यार, एक तो नॉट भी लगा दिया और हमने कहा है लिस्ट में क्या लगता है, शुड लगता है, तो विल तो लगना ही नहीं है, विल तो लगना ही नहीं है डियर, ध्यान देना मेरी बात को। अर्थात यू वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड पास। बात समझ में आ रही है आपको, लिस्ट के साथ शुड लगना है और लिस्ट में नॉट लगना नहीं है, अर्थात विल नॉट तो होगा ही नहीं, तो ये गलत है। यहां पे देखो हमने शुड लगाया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो इफ जो होता है, इफ एक कंजक्शन होता है और इफ का प्रयोग दो प्रकार से होता है, प्रेजेंट टाइप, पास्ट टाइप। जब प्रेजेंट टाइप प्रयोग करते हो ना तो ध्यान देना क्या कंसेप्ट होता है, जैसे होता है कि अगर तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, मतलब इफ यू स्टडी यू विल पास। पहला इफ वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहोगे और दूसरा जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में रखोगे। कभी ऐसे नहीं कहोगे कि इफ यू विल स्टडी यू विल पास, गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ के साथ कंजक्शन के साथ मॉडल का प्रयोग नहीं होता है और विल मॉडल होता है। इसलिए प्रेजेंट टाइप में अगर सेंटेंस हो कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे तो सेंटेंस बनेगा इफ यू स्टडी यू विल पास। पास्ट टाइप में जो है क्या होता है, पास्ट टाइप में इफ वाले में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करोगे और जो दूसरा वर्ब होगा उसमें वुड हैव का प्रयोग करोगे। इफ वाले में हैड अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रखा हुआ है, दो क्वेश्चन, एक तो पहला प्रेजेंट टाइप में मतलब इफ यू विल स्टडी यू विल पास, वो यू विल गलत है, इफ यू स्टडी यू विल पास, राइट। और दूसरा तुम्हारा इस पास्ट टाइप से आएगा, मतलब इफ वाले वाक में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट वाले में वुड हैव। देखो क्या होता है, हमने कहा इफ ही वुड हैव वर्क हार्ड ही हैड पास्ट, गलत है। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट, गलत है, देख लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, इफ वाले वाक में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाद वाले में वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो
इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। आगे बढ़ते हैं, देखो हैड ही वर्कड हार्ड ही हैव पास्ड, नहीं यार, हैड कभी कभी इफ बराबर हैड भी होता है, तो हैड से भी वर्क शुरू होता है, तो हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ये गलत है, ठीक है। वंस अगेन अखिलेश इज गोइंग टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर बाई अखिलेश कुमार ऑन अनअकैडमी। प्लीज रिमार्क्स, प्लीज कमेंट्स योर